नमस्कार, जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम बात करेंगे करिकुलर स्ट्रेटजीज का जो आपका कल पेपर है उसके मॉडल पेपर पर। और यदि आपने फुल सिलेबस की वीडियो अभी तक नहीं देखी है क्योंकि आज उसका लिंक आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जा पाई, तो दोस्तों आप लोग वीडियो लिस्ट में जा करके या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके वहाँ पर उसका लिंक जो है वो शेयर कर दिया गया है, तो आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। चलिए बहुत ही जल्द इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। चैनल पर यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, IFSP का पूर्ण रूप है इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान। बी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। और दूसरा एक और होता है इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम। दो फुल फॉर्म्स होते हैं, जो भी आपके सामने दिखे आप लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि एक साथ में दोनों नहीं आने वाले। नेक्स्ट हम बात करते हैं, श्रवण बाधित बच्चों के लिए संसाधन सामग्री, यहां पर थोड़ा सही कर लेते हैं, नहीं है। श्रवण बाधित बच्चों के लिए संसाधन सामग्री नहीं है, ऑडियोमीटर, हेयरिंग एड, हेयरिंग मटेरियल और ब्रेल स्लेट। दोस्तों श्रवण बाधित बच्चे यानी कि बात हो रही है HI बच्चों की, तो दोस्तों उनके लिए क्या नहीं है दोस्तों, ब्रेल स्लेट नहीं है, अर्थात यहां पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं तीसरे प्रश्न पर, माध्यमिक स्तर के बच्चों की आयु होगी, बात हो रही सेकेंडरी स्तर के बच्चों की। तो दोस्तों आपको पता है कि प्री प्राइमरी आपका 3 से 6, 7 से 10 आपका हो गया प्राइमरी, 11 से 14 आपका हो गया सेकेंडरी, और प्री वोकेशनल आपका हो गया 15 से 18, और वोकेशनल आपका हो जाता है 18 से ऊपर। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई, माध्यमिक स्तर की बात हो रही है तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं खेल विधि के प्रतिपादक हैं। दोस्तों खेल विधि के प्रतिपादक हेनरी कार्लबेल कुक हैं, और पेपर में क्या पूछा जाता है, पेपर में काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है कि संवेदीय प्रशिक्षण या मॉन्टेसरी विधि, तो हम क्या लगाएंगे, संवेदी प्रशिक्षण या मॉन्टेसरी विधि, तो किसको लगाएंगे, मैडम मारियो मॉन्टेसरी को, या किंडरगार्टन तो हम लगाएंगे फ्रॉयल जी को। याद रखिएगा, हो सकता है आपसे इन तीनों प्रश्नों में से एक प्रश्न पूछ दिया जाए। IEP का पूर्ण रूप आप सभी को पता है इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सही और गलत पर। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर सामाजिक कौशल, दूसरों को देखकर मुस्कुराना है, यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे सामाजिक कौशल करना सीखते हैं तो क्या होता है, दूसरों की तरफ देखकर मुस्कुराना, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका ट्रू हो जाएगा पहला। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्रह आधारित मॉडल गाँवों में उपयोगी नहीं है, बिल्कुल और बिल्कुल यह कथन आपका गलत है। दोस्तों ग्रह आधारित मॉडल जो है वो गाँवों के लिए उपयोगी है, क्योंकि वहाँ पर विशेष शिक्षक जा करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं घरों में, तो यह जो आपका कथन है वो गलत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विशेषज्ञ दल के अंतर्गत समाज सेवी आता है, विशेषज्ञ दल के अंतर्गत समाज सेवी बिल्कुल आता है दोस्तों, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पाठचर्या निर्माण में शिक्षाविदों को शामिल किया जाता है, बिल्कुल शामिल किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट में, पाठचर्या निर्माण में लचीलापन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लचीलापन क्यों नहीं होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो कथन आपका है वो गलत है, और यहाँ पर अगर नहीं ना लगा होता तो यह कथन आपका सही हो जाता। नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न आपके सामने नहीं वाला जरूर फंसता है पेपर में। आगे बात करते हैं मिलान पर, और मिलान में हमने यहाँ पर आज सारी की सारी आपकी फुल फॉर्म्स रख दी हैं। CBC यानी कि कम्युनिटी बेस्ड करिकुलम, और हो सकता है CBM भी लिखकर आ सकता है, कम्युनिटी बेस्ड मॉडल। नेक्स्ट हम बात करते हैं MSJE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और AC यानी कि एसोसिएटेड कंडीशन, IEDC इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, और LSRW यानी कि लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये आपके आज के जो क्वेश्चंस थे वो समाप्त होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्नों पर, दोस्तों जो लगभग हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पर आपसे योगात्मक मूल्यांकन पूछ सकता है जिसको हम बोलते हैं समेटिव एवोल्यूशन, या आपसे
फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी पूछा जा सकता है, तो तैयार कर लीजिएगा। एनआरटी यानी कि नॉर्मल रिफरेंस टेस्ट होता है, और एक आपका सीआरटी होता है, क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। पेपर में लगभग में अगर बात की जाए तो ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन की श्रेणी के अंतर्गत आ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाठ्यक्रम अनुकूलन क्या है, यानी कि करिकुलम का एडेप्टेशन जो होता है वो क्या है। नेक्स्ट पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए। आप फ्रॉवेल को लिख सकते हैं पाठ्यक्रम की परिभाषा में, आप कलिंगम को लिख सकते हैं पाठ्यक्रम की परिभाषा में, मैंने आपको बता रखा। समूह को परिभाषित कीजिए, समूह को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस आपके सामने, सहकारी अधिगम क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग, लाभ व हानियां बताइए। नेक्स्ट आप एचआई बच्चों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन, यहां पर ऐसे भी कह सकता है कि वीआई बच्चों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन क्या होगा, एमआर बच्चों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन क्या होगा, तो ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। मनोरंजन तथा अवकाश के समय की क्रियाएं, कह सकते हैं कि मनोरंजन के समय की क्रियाएं क्या होती हैं या अवकाश के समय की क्रियाएं क्या होती हैं। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन था पाठ योजना में शिक्षक की भूमिका, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा यहां पर, अच्छा क्वेश्चन है। मनोरंजन के समय अवकाश की जो क्रियाएं होती है आपसे 10 नंबर में भी जा सकता है, 5 से 10 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किन्हीं दो प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पाठ्यक्रम के विशेष सिद्धांतों की चर्चा कीजिए, या पाठ्यक्रम के उपागम भी आपसे पूछ सकता है कि पाठ्यक्रम के उपागम क्या क्या होते हैं, या आपसे कह सकता है कि बौद्धिक विकलांग बच्चों के लिए विभिन्न रोजगार के अवसर किस प्रकार से हम प्राप्त करा सकते हैं, या आपसे ऐसे कह सकता है कि माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम किस प्रकार से हम तैयार कराएंगे, माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम बच्चों के लिए किस प्रकार से तैयार किया जाएगा। और अगर हम बात करें और इम्पोर्टेंट प्रश्न की, तो आपसे समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम अनुकूलन भी पूछा जा सकता है, किसमें, समावेशी शिक्षा में, क्योंकि आपका जो यूनिट 4.4 है आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपने 2-3 बार इस चीज़ों को पढ़ चुके हैं आप लोग। समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम अनुकूलन, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, हो सकता है आपसे पूछ दे। व्यक्तिगत कौशल कौन से होते हैं, सामाजिक कौशल कौन से होते हैं, पीयर ट्यूटरिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं पहले से ही। हो सकता है कि आपसे अंतर पूछ दे समेकित, यानी कि जो आपकी एकीकृत शिक्षा है, और समावेशी शिक्षा यानी कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन, और जो आपका समावेशी शिक्षा है उसके बीच में आपसे अंतर भी पूछा जा सकता है। और रोल ऑफ टीचर, टीचर के जो रोल होते हैं यानी कि अध्यापक की भूमिका क्या होती है पाठ्यक्रम बनाने में, पूछा जा सकता है। पाठ्यक्रम के प्रकार क्या होते हैं, याद कर लीजिएगा प्रकार, हो सकता है आपसे प्रकार पूछ दे। उपागम मैंने आपको बताया, अप्रोचेस क्या क्या होते हैं, और साथ ही साथ पाठ्यक्रम के सिद्धांत याद कर लीजिएगा जरूर। दोस्तों इस प्रकार से लगभग आपका पेपर बहुत ही अच्छी तरीके से समाप्त हो जाएगा, और आपका जो नंबर है बहुत ही अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि अभी तक आपके सारे पेपर लगभग सभी बच्चों के अच्छे गए हैं। जिस प्रकार से आप लोग प्रतिक्रियाएँ देते हैं दोस्तों, आपके पेपर काफ़ी अच्छे होंगे। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ, धन्यवाद।